मेरे बचपन कैसे गुजरा, क्या हुआ, जब इसने पूछना शुरू किया तो मुझे खुद पे तरस आने लगा, ओ गॉड तेरे साथ कैसा हुआ। एंड आई स्टार्टेड एंजॉयिंग पीटी हिमसेल्फ। तो मुझे एंजॉय करने लगा कि मैं ऐसा था, मैं एक टांगे वाले का भी दोस्त था, मैं एक दुकान के बाहर भी सोया था, मैं जब स्टूडियो में आया पहली बार इंडस्ट्री में तो गुरुदत्त स्टूडियो के बाहर खड़ा रहा मैं डिप्लोमा लेके फिल्म इंस्टीट्यूट का, और उसने कहा कि कहाँ जाना है, मैं बोला अंदर जाना है शूटिंग देखने के लिए, मैं इंस्टीट्यूट से आया हूँ, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का दिया हुआ मेरे को डिप्लोमा मिला है। तो उसने बोला किसी को पहचानते हो, तो मैंने बोला नहीं मैं किसी को नहीं जानता हूँ लेकिन मैं शूटिंग देखना चाहता हूँ। उसने दरवाजा बहुत आते हैं ऐसे सर्टिफिकेट लेके बंद कर दिया, और मैं घर आके रोने लगा कि मैं तो किसी को भी नहीं जानता, एक अकाउंटेंट को भी नहीं जानता मैं, ये तो कुछ ब्लेस बच्चे हैं जो फिर भी कहीं ना कहीं सीखे थे, इनके पिताजी ने बड़ी स्ट्रगल की थी, नाइजर फॉल देखा था, मेरे पास तो कोई भी बंदा नहीं था, चारों तरफ अंधेरा था, और घर में ऐसा प्रॉब्लम था मेरे पिताजी का कि वापस नहीं आना बस। तो देर वॉज नो गो, देर वॉज नो सेकेंड प्लान बी, था ही नहीं मेरे पास, इट वॉज ऑनली प्लान ए फॉर मी। सो जब ये मुझे कहानियाँ पूछने लगा तो मुझे अपने पे हंसी भी आए, और इसके बाद इसने मुझे बहुत दुख दिया कि मुझे अपनी बचपन याद दिला दिया। सो आई वुड से कि आई वॉज वेरी ऑनेस्ट एंड वी ऑल वर वेरी ऑनेस्ट, बिकॉज समबडी कम्स यू एंड रियली grills you, your pain and your past, and you feel so gratified, you feel so blessed, and you feel thankful to the God that finally He has brought you here.